हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधुबनी। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपनी तुलसी के फ़ायदे जो सभी घरों में पाई जाती है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप लोग तुलसी के पौधे बहुत आसानी से उगा भी सकते हैं। इसके ऊपर जो ये मंजरी लगी होती है, ये देखिए, ये जो मंजरी है इसी को आप किसी खाली गमले में डाल दीजिए और अभी बारिश के मौसम में बहुत जल्दी आपके पेड़ तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये आप तुलसी का पौधा देख रहे हैं, ये भी मैंने मंजरी डाल के उगाया था। और अब देखिए ये गाइस कितना बड़ा हो गया है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बताना कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे भारतीय घरों में मोस्टली सभी के घरों में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं और मोस्टली लोगों को पता भी होता है कि तुलसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बट जिनको नहीं पता होता है तो उनको आज के वीडियो में मैं उसके फ़ायदे बताऊंगी ढेर सारे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि वाओ, तुलसी का पौधा लगाने का और तुलसी को खाने से कितना फ़ायदा होता है। तुलसी की पत्तियाँ अगर आप खाते हैं 3-4 डेली तो उससे आपकी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तुलसी के पौधे की पत्तियां अगर आप खाली पेट खाते हैं, चबाते हैं 3-4 पत्ती, तो उससे आपका लीवर बिल्कुल सही रहता है, पेट आपका बिल्कुल सही रहता है। और तुलसी के पत्तियों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल मजबूत रखती है, जिससे आगे आने वाली बीमारियां आपको नहीं होती हैं। आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये सूजन को भी कम करते हैं और आपके तनाव को भी दूर रखते हैं। और ब्लड शुगर के पेशेंट के लिए तुलसी तो रामबाण दवा है। तुलसी की पत्तियाँ अगर वो खाते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर रहता है, वो ब्लड शुगर का जो लेवल रहता है बिल्कुल मेंटेन रहता है, बिल्कुल ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और डायबिटीज़ में उससे बहुत ही रिलीफ रहता है। और ये जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म भी सही रखती हैं, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और तुलसी के पौधों में विटामिन सी की मात्रा भी बहुत मात्रा में होती है, जिससे कि जो भी हमारे जो घाव होते हैं शरीर में, जो भी बीमारी होती है तो उसका जो संक्रमण होता है वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। और अगर आपको खांसी की समस्या है तो यही तुलसी के पौधे आपकी खांसी की समस्या को भी दूर करते हैं। उसमें आप चाय बनाते हैं, चाय में लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अदरक डाल के अगर ये वाली चाय आप पीते हैं तो आपकी खांसी बहुत जल्दी सही हो जाती है। और ये लीवर को भी डिटॉक्स करते हैं, जिससे हम लोगों का जो खाना होता है वो जल्दी पच जाता है। और जल्दी खाना पच जाने से हम लोगों को जो सही पोषक तत्व तो होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिससे हमारे और ये हमारे पाचन तंत्र को भी बिल्कुल मजबूत रखती है। और ये हमारी कैंसर जैसी समस्याओं को भी दूर रखती है। तुलसी का जो पत्तियाँ हैं वो खाते रहने से हम लोग कैंसर से भी बचे रहते हैं, क्योंकि कैंसर के जो भी कीटाणु होते हैं तुलसी के पत्ते उनको मारने का काम करते हैं। और अगर आप किसी भी घाव के ऊपर तुलसी के पत्ते को पीस के लगा देते हैं और यदि आपकी बॉडी पर दांत, खाज, खुजली या कोई भी रैशेज हैं तो तुलसी के पत्ते को पीस के अगर आप उस पर लगाते हैं तो 3-4 दिन में आप देखेंगे कि आपका घाव धीरे धीरे सही होने लगा है। तो देखिए गाइस, कितने सारे इस तुलसी के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। और तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो मेरे खून को, आप सबके खून को प्यूरीफाई भी करते हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं तुलसी के पत्ते। और तुलसी के पत्ते को उबाल के पिए तो आपके पिम्पल्स, छाइयाँ और जो भी स्पॉट्स हैं वो सब आपके ये ठीक करती है। और आप इसके पत्ते का पेस्ट लगा के 20 मिनट तक छोड़ दीजिए अपने फेस पर, तो जितने भी आपके पिंपल्स वगैरह होंगे और झाइयाँ होंगी, ब्लैक स्पॉट होंगे, वो सब सही होने लगेंगे। तो देखिए गाइस, इस तुलसी के पत्ते का कितना फ़ायदा है। आप अगर आप देखिए, आप बिल्कुल फ्री में इस पेड़ को लगा सकते हैं अपने घर में और इतने सारे फ़ायदे आप खुद भी उठा सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये प्रकृति की तरफ से जितने भी पेड़ हम लोगों को मिले हैं, इन सब में बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, इन सब के बहुत फ़ायदे हैं। बट हम लोग अनजान होते हैं, इन फ़ायदों से हम लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से हम लोग इनको इतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन मैं समय समय पर ऐसे वीडियो लाती रहूँगी और नॉलेज आपकी बढ़ाती रहूँगी कि आप ये पौधे भी अगर लगाते हैं अपने घर में तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने अमरूद के पत्ते और अमरूद के फ़ायदे
वाले के बारे में बताया था, तो गाइस प्लीज़ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। और आज के वीडियो का है तुलसी की पत्ती के फ़ायदे। तो आप लोग प्लीज़ घर में एक पेड़, एटलीस्ट एक पेड़ कम से कम ज़रूर लगाएं। और इन पेड़ों का लगाना बहुत ही आसान है। और एक वीडियो में बहुत पहले भी बनाई थी कि तुलसी के पत्ते, मतलब तुलसी के पेड़ और कैसे उगाएं। तो देखिए गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये मंजरी लगी हुई है, बिल्कुल नो टेंशन, कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पेड़ आपके यहाँ है तो आप उसी पर, उसी के भरोसे मत रहिए। आप ये जितनी भी देखिए पेड़ में जितनी भी ये मंजरी लगी हुई है, इसको तोड़ के आप किसी खाली गमले में लगा दीजिए, तो आपके थोड़े दिन में आपको एक नया पेड़ मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपकी तुलसी जो है कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि तुलसी के जो पेड़ हैं वो सर्दियों में कोहरे से ख़राब होने लगते हैं। तो आप नए नए पेड़ों का जो बैलेंस बना के रखिए, और ये मंजरियाँ डाल डाल के नए नए पेड़ उगाते रहिए। और खाली पेट तुलसी की पत्तियाँ आप सब ज़रूर खाएं, और जिसको शुगर नहीं है वो भी खाएं, और जिसको शुगर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आशा है आप लोगों ने कुछ जानकारियाँ ली होंगी इस वीडियो से, और आप सभी लोग एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएंगे। बाय बाय, आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपकी अपनी मधु। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।